क्लास 10 स्टूडेंट। स्टूडेंट्स मैथ्स अगर सेमेस्टर 2 के लिए आप स्टार्ट कर रहे हैं तो मैथ्स स्टार्ट करने से पहले रिड्यूस सिलेबस कंपैरिजन विद द ओल्ड सिलेबस के साथ में आपके ये वीडियो है, और ये वीडियो आपको सिर्फ मैथ्स स्टार्ट करने में नहीं, आपके किस टाइप के क्वेश्चन और चैप्टर्स में आएंगे, सिंपल क्या फॉर्मूलेस हैं वो भी आपको बताते जाऊंगा। स्टूडेंट्स वीडियो काफ़ी बड़ा रहेगा पर बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा मैथमेटिक्स के लिए, इसलिए बिना स्किप के इस वीडियो को देखिए और वीडियो कंप्लीट होने के बाद आप डेफिनेटली मैथ स्टार्ट कीजिए, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। क्योंकि स्टूडेंट प्लानिंग सबसे इंपॉर्टेंट है कोई भी काम को स्टार्ट करने के लिए। सेम अगर मैथ्स आप स्टार्ट कर रहे हो स्टूडेंट, आपकी प्लानिंग होनी चाहिए हमें क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है और क्या चीज़ें उस पर्टिकुलर चैप्टर से आने वाली हैं। तो स्टूडेंट सेमेस्टर 2 एग्जामिनेशन में हम देखो एपी कोऑर्डिनेट मैट्रिक आपका सेमेस्टर 2 में इसमें है। स्टूडेंट कोऑर्डिनेट मैट्रिक में देखिए आपका ओल्ड सिलेबस में भी कुछ रेड लाइन में नहीं है, तो मतलब कोऑर्डिनेट मैट्रिक में कुछ कैंसिलेशन नहीं हुआ, सिमिलैरिटीज में स्टूडेंट सिमिलैरिटीज सेमेस्टर 1 में हो चुका है। तो कोऑर्डिनेट मैट्रिक से स्टूडेंट एक्सप्लेनेशन में स्टार्ट करता हूँ। देखिए रिफ्लेक्शन चैप्टर स्टूडेंट सबसे ईजी चैप्टर है, जिसका एक क्वेश्चन पहले आता था स्टूडेंट, इस बार भी एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन स्टूडेंट आने के चांसेस हैं, जिसमें आपको इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस का इक्वेशन y इज इक्वल टू जीरो, y एक्सिस का इक्वेशन x इक्वल टू जीरो, और x इक्वल टू अगर कोई लाइन कोई नंबर है तो पैरेलल टू y एक्सिस रहेगा, y इक्वल टू कोई नंबर है तो पैरेलल टू x एक्सिस रहेगा। स्टूडेंट इनवेरिएंट जो पॉइंट है इसका स्टूडेंट कैसा होता है कि कोई अगर जैसे किसी एक्सिस पे कोई पॉइंट्स हैं और ये एक्सिस आपका रिफ्लेक्शन एक्सिस है, तो जो पॉइंट एक्सिस पे रहेंगे दैट इज सेड टू बी इनवेरिएंट, मतलब कि पॉइंट को रिफ्लेक्शन करने के बाद भी उसका पोजिशन चेंज नहीं होता, कोऑर्डिनेट सेम रहता है, तो उसे इनवेरिएंट पॉइंट बोलते हैं स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे इनवेरिएंट पॉइंट के अलावा स्टूडेंट जितने भी रिफ्लेक्शन में आपके डायग्राम वाले क्वेश्चंस हैं, जिसमें डायग्राम फ्रेम हो जाते हैं, डायग्राम का एरिया, कोई सेगमेंट का लेंथ, ये निकालने के लिए एग्जामिनेशन में आएंगे। और एक क्वेश्चन एटलीस्ट 4 से 5 क्वेश्चन कीजिए जो बोर्ड में आ चुके हैं उस टाइप के, वो क्वेश्चन स्टूडेंट वापस रिपीट नहीं करेगा कम से, उस टाइप के सिमिलर क्वेश्चन जो बोर्ड में नहीं आए हैं किसी और टेक्स्ट बुक से, किसी भी क्वेश्चन बैंक से, आपको सिमिलर टाइप के 4-5 क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं। अब आते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट चैप्टर में, मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूले में स्टूडेंट सिर्फ एक ही फॉर्मूला हमारा मिड पॉइंट का है और सेक्शन फॉर्मूला। एक्चुअली मिड पॉइंट फॉर्मूला सेक्शन फॉर्मूले से ही आया है स्टूडेंट। सेक्शन फॉर्मूले में आपको जो फॉर्मूला इस्तेमाल करना है स्टूडेंट वो देखिए स्टूडेंट्स, वो आपका फॉर्मूला आ जाएगा जैसे पी डिवाइड कर, जैसे ये मेरा सेगमेंट ए बी है, अब ए कोऑर्डिनेट आपका एक्स वन वाई वन है, बी कोऑर्डिनेट आपका एक्स टू वाई टू है। ओके स्टूडेंट्स, तो आपका सेक्शन फॉर्मूला अगर मान लीजिए कोई एक पॉइंट है जो ए बी को डिवाइड कर रहा है, तो पी कोऑर्डिनेट एक्स वाई हाउ वी कैन फाइंड बाय सेक्शन फॉर्मूला। स्टूडेंट देखिए ये पी कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला आपका हो जाएगा स्टूडेंट्स, पी एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन एंड एम वाई टू प्लस एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन एम प्लस एन। तो स्टूडेंट इसमें एम और एन क्या है, एम और एन आपके रेशियोज़ हैं, रेशियोज़ हैं मतलब जैसे ए से लेके आपका डिवाइड सेगमेंट हो रहा है ए से पी, तो ए पी इज सेट टू बी एम और पी बी इज सेट टू बी एन, तो एम और एन आपके रेशियोज़ हैं। तो स्टूडेंट्स अगर मेरे रेशियोज़ 1:1 रहेंगे तो इट बिकम्स ए मिड पॉइंट फॉर्मूला, जो आपका एक्स वन प्लस एक्स टू डिवाइड बाई टू एंड वाई वन प्लस वाई टू डिवाइड बाई टू, ये स्टूडेंट हो गया मिड पॉइंट। और सेंट्रॉइड फॉर्मूला भी स्टूडेंट्स में आ जाएगा, सेंट्रल फॉर्मूले में x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 3। अब आते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट चैप्टर पे इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन में स्टूडेंट सबसे इंपॉर्टेंट है स्लोप और स्लोप एंड y इंटरसेप्ट फॉर्म। तो स्टूडेंट स्लोप निकालने के मेथड आपको मालूम चाहिए, स्लोप निकालने के सिर्फ यही एक फॉर्मूला नहीं है स्टूडेंट, और टू पॉइंट फॉर्म तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पे देखो, दिस इज नॉट ए टू पॉइंट फॉर्म, दिस इज स्लोप एंड वन पॉइंट फॉर्म, दिस इज नॉट ए टू पॉइंट फॉर्म फॉर्मूला, दिस इज ए वन पॉइंट फॉर्म फॉर्मूला, नॉट ए टू पॉइंट फॉर्म फॉर्मूला, इसे वन पॉइंट फॉर्म फॉर्मूला। तो स्टूडेंट्स पहले स्लोप निकालने के आपको मैं 4 डिफरेंट फॉर्मूला को बता दूँ। अगर स्टूडेंट्स एंगल दिया है, थीटा दिया है, तो वी कैन यूज़ द फॉर्मूला एम इज इक्वल टू टेन थीटा, ये आपका पहला फॉर्मूला हो गया। अगर दो कोऑर्डिनेट दिए हैं तो एम इज इक्वल टू हम लोग यूज़ करेंगे वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, और अगर मान लीजिए कोई इक्वेशन दिया है वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में, तो एम इज सेट टू बी स्लोप, तो आपका ये फॉर्मूला यूज़ होगा स्टूडेंट्स, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी एंड एम इज इक्वल टू स्लोप, आपका एम क्या रहेगा स्लोप रहेगा। अगर मान लीजिए कोई इक्वेशन स्टूडेंट्स है जैसे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, तो व्हाट इज माई स्लोप, स्लोप हो जाएगा यहाँ पे स्टूडेंट्स एम इज इक्वल टू माइनस एक्स कोएफिशिएंट्स अपॉन वाई कोएफिशिएंट्स, मतलब एक्स का नंबर और वाई का नंबर। तो स्टूडेंट ये स्लोप के 4 मेथड्स हैं, और आप यही सिर्फ एक ही फॉर्मूला यूज़ करके आप जिसे बोलते हैं वन पॉइंट फॉर्म, ये टू पॉइंट फॉर्म नहीं है स्टूडेंट, वन पॉइंट स्लोप एंड वन पॉइंट फॉर्म, वाई माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन, सिर्फ इसी फॉर्मूले से आप सारे क्वेश्चंस इक्वेशन ऑफ लाइन के सॉल्व कर सकते हो। वैसे 4 अलग अलग फॉर्मूलेस और हैं पर नो नीड टू गो थ्रू ऑल द फॉर्मूलेस,
चलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट चैप्टर पे। और स्टूडेंट्स इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस करने हैं ना, वो जब मैं सेपरेट चैप्टर वाइज बनाऊंगा डेफिनेटली आपको मैं हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको प्रोवाइड करूंगा। स्टूडेंट नेक्स्ट पे आते हैं, देखिए नेक्स्ट चैप्टर में स्टूडेंट सिमिलरिटीज हुई नहीं, कैंसिल्स हैं अभी, मतलब सेमेस्टर वन में चला गया खत्म। स्टूडेंट सर्कल चैप्टर जो सबसे एक तरह से डिफिकल्ट माना जाता है स्टूडेंट, पर सर्कल चैप्टर्स में इतनी डिफिकल्ट आपको एंगल प्रॉपर्टी स्टूडेंट, देखिए इसमें एंगल प्रॉपर्टी कौन कौन से इंपॉर्टेंट, एक तो सेंटर एंगल स्टूडेंट, सेंटर एंगल का मेजरमेंट कॉरस्पॉन्डिंग इंटरसेप्टेड आर के बराबर होता है। दूसरा आपको इंस्क्राइब एंगल स्टूडेंट्स, इंस्क्राइब एंगल में इंस्क्राइब एंगल का मेजरमेंट सामने वाले आर का आधा होता है, जैसे अगर ये 100 है तो ये 50 है इंस्क्राइब एंगल। फिर उसके बाद आपका साइक्लिक कोऑर्डिनेटर में, और एक देखिए एंगल्स इन अल्टरनेट सेगमेंट, जैसे ये हो गया आपका ये एंगल्स इन अल्टरनेट सेगमेंट, मतलब कि ये टेंजेंट और सीकेंट से बना हुआ एंगल्स और इंस्क्राइब एंगल, दीज टू एंगल्स आर इक्वल, ये दोनों एंगल कैसे रहेंगे स्टूडेंट, इक्वल रहेंगे। तो ये एक प्रॉपर्टी स्टूडेंट आपको पढ़नी है, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर की प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स आपको, इफ कोऑर्डिनेटर्स आर साइक्लिक तो रिमेंबर एक्सटीरियर एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, ये प्रॉपर्टी पढ़नी है। और अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एंगल वन और एंगल टू, इनका एडिशंस 180 डिग्री होता है, तो ये आपको पढ़ के रखना है स्टूडेंट्स। तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल प्रॉपर्टी हो गई। इसके अलावा स्टूडेंट्स जितने भी मतलब क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टीज वगैरह हैं जो सर्कल में आपको आएंगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट आपको कॉर्ड की प्रॉपर्टी स्टूडेंट पढ़ के रखनी है। अगर कॉर्ड्स इक्वल्स हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग आर्क इक्वल रहेंगे, यस सेंटर एंगल इक्वल है तो कॉर्ड इक्वल्स रहेंगे, तो ये प्रॉपर्टीज आपको स्टूडेंट पढ़ के रखनी है। तो स्टूडेंट सर्कल में इन प्रॉपर्टी पे डिपेंड्स आपके न्यूमेरिकल्स आएंगे। साइक्लिक कोऑर्डिनेटर प्रॉपर्टी ऑलरेडी मैं आपको समझा दिया स्टूडेंट, टेंजेंट सेकंड की प्रॉपर्टीज भी है। एंड स्टूडेंट्स टेंजेंट सेकंड में द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम ए सर्कल, हम एक एक्सटीरियर पॉइंट से दो ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं और दोनों का जो लेंथ है वो इक्वल रहता है स्टूडेंट, दोनों का जो लेंथ रहेगा इक्वल रहेगा। और ये याद रखना स्टूडेंट जब भी कभी ये प्रॉपर्टीज डेवलप होती है तो जो क्वाड्रिलेटरल बनता है ना स्टूडेंट ये भी साइक्लिक है, क्यों, क्योंकि अपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, अगर अपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री है तो क्वाड्रिलेटरल आपका साइक्लिक है। स्टूडेंट्स डिटेल में मैं जब सर्कल पढ़ाऊंगा डेफिनेटली आपको बताऊंगा स्टूडेंट हर चीज। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो स्टूडेंट सर्कल्स देखिए प्रूफ ऑफ ऑल थ्योरम्स नहीं है, आपको ये ध्यान देना है प्रूफ ऑफ ऑल थ्योरम्स नहीं है सर्कल से, सर्कल से आपका प्रूफ जितने भी थ्योरम से प्रूफ हैं जितने भी, कम से कम सर्कल में मोर देन 50 प्रूफ हैं स्टूडेंट्स जो काउंसिल नहीं रखता है एग्जामिनेशंस में। ओके स्टूडेंट्स आपको ये मालूम होना चाहिए कि हमें क्या चीज़ नहीं पढ़नी है, तो इसलिए प्रूफ वाले क्वेश्चन आपको बिल्कुल टच नहीं करना है स्टूडेंट। सर्कल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक कम से कम 50 क्वेश्चन हैं स्टूडेंट जो मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, सिर्फ वो क्वेश्चन भी आप अगर प्रिपेयर कर लेंगे स्टूडेंट तो सिमिलर टाइप के क्वेश्चन या तो हो सकता है उसमें से क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में आ जाएंगे। चलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट चैप्टर। सर्कल आपका सबसे बड़ा चैप्टर स्टूडेंट्स, एक महीना पूरा लेता है ये चैप्टर। नेक्स्ट पार्ट में देखिए, नेक्स्ट पार्ट में स्टूडेंट्स मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुएशन में स्टूडेंट्स हमें सिर्फ जो सिलेंडर और कोन, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया, कोन का कर्व सरफेस एरिया, बस ये दो फिगर के ऊपर स्टूडेंट्स हमें फोकस करना है। सिलेंडर और कोन बस ये दो फिगर्स है जिसका हमें टोटल सर्फेस एरिया, कर्व सर्फेस एरिया और वॉल्यूम, तो इस पे मैं डिटेल्स में देखना है स्टूडेंट्स आपको इसके डिटेल्स न्यूमेरिकल, और मोस्ट प्रोबली इसमें जो न्यूमेरिकल आएंगे स्टूडेंट ना वो आपके रीकास्टिंग, जैसे सिलेंडर अगर सिलेंड्रिकल बॉल है या कोनिकल बॉल है उसमें मेल्ट करके एक सिलेंडर बन रहा है, सिलेंडर से कई सारे कोन बन रहे हैं, तो वो कन्वर्शन वाले क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में आएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे ही रहते हैं स्टूडेंट, जैसे छोटे छोटे कोन से एक सिलेंडर बन गया, तो इसमें मटेरियल मीडियम मतलब मटेरियल का वॉल्यूम निकालना, मटेरियल कितना है, कितने नंबर ऑफ बॉल बन सकते हैं स्टूडेंट, दिस सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो हर टाइप के क्वेश्चंस जो आपके आएंगे ना स्टूडेंट नियर अबाउट 25 और 30 क्वेश्चंस की एक सीरीज बन जाएगी स्टूडेंट, जिसमें सारे टाइप के क्वेश्चंस आपके कवर हो जाएंगे और उतने ही आपको करने पड़ेंगे। तो स्टूडेंट मेन हमारा कॉन्सेप्ट क्या रहेगा, हर चैप्टर से जितने टाइप के क्वेश्चन है हर टाइप के एटलीस्ट एक या दो क्वेश्चन अगर आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लिए हैं, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हर क्वेश्चन का, आप स्टूडेंट बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हो। नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं स्टूडेंट। देखिए ट्रिग्नोमेट्री में स्टूडेंट ये जो तीन आइडेंटिटीज फॉर्मुलेस हैं, इन तीन आइडेंटिटीज फॉर्मुले से और फॉर्मुले बनते हैं, जैसे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू वन, तो साइन स्क्वायर इक्वल टू वन माइनस कॉस स्क्वायर, तो वन माइनस कॉस स्क्वायर वी कैन राइट वन माइनस कॉस ए वन प्लस कॉस ए, तो ऐसे ही आपके आइडेंटिटी से जो फॉर्मुलेस बनते हैं उस पर डिपेंड्स आपके प्रूफ। स्टूडेंट्स याद रखना आइडेंटिटी पर डिपेंड आपके प्रूफ एग्जामिनेशन में आएंगे, एंगल पर जो डिपेंड्स हैं स्टूडेंट ना आपके सिर्फ जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल वाले हैं क्वेश्चंस उनकी वैल्यू पे पर्टिकुलर एंगल आ सकते हैं स्टूडेंट। हाइट एंड डिस्टेंस में आपको मिलर्स पावल बुक्स कैसे यूज़ करते हैं वो आपको आना चाहिए। हाइट एंड डिस्टेंस में स्टूडेंट्स केवल तीन टाइप के डायग्राम्स हैं जो बोर्ड एग्जामिनेशन में आते हैं, और याद रखना दो ट्राइंगल्स, एक तो देखो इस टाइप का डायग्राम स्टूडेंट रहेगा, दूसरा आपका डायग्राम स्टूडेंट्स रहेगा, ओके दूसरा डायग्राम स्टूडेंट्स आपका इस तरह से रहेगा,
ओके तीसरा डायग्राम स्टूडेंट्स, जैसे तीन टाइप के डायग्राम स्टूडेंट्स एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा आते हैं, तो ये दो दो राइट एंगल ट्राइंगल जिसमें हमको ट्रिग्नोमेट्रिक्स अप्लाई करना है। तो स्टूडेंट्स हाइट एंड डिस्टेंस आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, और हाइट एंड डिस्टेंस के साथ में स्टूडेंट सिक्स मार्क्स का ओजाई क्वेश्चन अटैच रहेगा, ये ध्यान रखना। सिक्स मार्क्स का ओजाई क्वेश्चन आपका हाइट एंड डिस्टेंस के साथ में रहेगा। स्टूडेंट स्टैटिस्टिक्स में आपका सबसे ईजी जो पार्ट है वो है पहले मॉड ऑफ फिनिश कर देना, ड्राइंग ऑफ हिस्टोग्राम। तो हिस्टोग्राम आपको आपको ड्रॉ करना होगा स्टूडेंट। हिस्टोग्राम में कैसे आपको मॉड फाइंड आउट करना है वो आपको करना रहेगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा स्टूडेंट मीन आपको कोई एक पर्टिकुलर मेथड से मीन को सॉल्व करना है। और एक चीज़ स्टूडेंट और आपको बता दूँ, अनकंटिन्यूस फ्रीक्वेंसीज मतलब कंटिन्यूस ग्रुप डेटा, द मीन मीडियन कंटिन्यूस ग्रुप डेटा फॉर कंटिन्यूस ग्रुप डेटा ही सिर्फ आएगा स्टूडेंट्स, नॉन कंटिन्यूस मतलब अनकंटिन्यूस फ्रीक्वेंसीज आपको नहीं आने वाली है। ओके स्टूडेंट्स ओजाइव कैसे ड्रॉ करते हैं उसको आपको करना पड़ेगा तीन से चार क्वेश्चन, क्योंकि सिक्स मार्क्स का आपका ओजाइव का क्वेश्चन स्टूडेंट आएगा, सिक्स मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। सेंट्रल टेंडेंसी आपको लोअर क्वार्टाइल अपर क्वार्टाइल स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन मैं करूँगा आपके लिए। ओके स्टूडेंट्स तो ये ध्यान रखना कंटिन्यूस डेटा पे ही क्वेश्चन आपके आने वाले, मेन कोई एक मैथड देखो एनी वन मैथड, तो आप ना शॉर्टकट मैथड मतलब इसे अजूम मैथड बोलते हैं इसी को अप्लाई करना, और इसी के इसी पे डिपेंड आपको सारे न्यूमेरिकल इसी से सॉल्व करनी है, आपको बाकी फॉर्मूले फिर नहीं जाना है, किसी एक मेथड से आपको सॉल्व करना है। एग्जाम बोर्ड एग्जामिनेशन में अलग मेथड आने वाला नहीं है, सिर्फ मीन का क्वेश्चन रहेगा, आपको सिर्फ उस किसी एक पर्टिकुलर मेथड को आपको सीखना है, उसी मेथड से सॉल्व करना है। तो अज्यूम मेथड शॉर्टकट मेथड बेटर है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट पार्ट देखिए स्टूडेंट, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में लोअर क्वार्टाइल ये हो गया स्टूडेंट, हिस्टोग्राम और ओजाइक ये दो ग्राफ वाले क्वेश्चन हैं, जिसमें हिस्टोग्राम का एटलीस्ट तीन से चार क्वेश्चन करने हैं, लोअर और ओजाइक वाले क्वेश्चन एटलीस्ट स्टूडेंट वो भी आपको तीन से चार क्वेश्चन करने हैं। प्रॉबिलिटी स्टूडेंट्स आपको नंबर वाले क्वेश्चंस, टू डाइस वाले क्वेश्चंस, कार्ड वाले क्वेश्चंस, और फिर उसके बाद आपके कॉइन वाले क्वेश्चंस, तो इन क्वेश्चन के इवेंट्स क्या आएंगे, इन क्वेश्चन के इवेंट्स के हिसाब से सैंपल स्पेस और फिर उनके इनकी प्रॉबिलिटी। स्टूडेंट्स सिंपल चैप्टर्स है, यकीन मानिए मैथमेटिक्स आपको बहुत सिंपल पड़ेगा। मैं अपने चैनल के थ्रू आपकी हेल्प करता रहूँगा, हेल्प मतलब कि मैं अपनी टीचिंग आपको प्रोवाइड करता रहूँगा, हेल्प मतलब कि स्टूडेंट्स देखिए हम भी व्यू ले रहे हैं, ऐसा नहीं है व्यू हमको पैसा मिलता ही है, तो पर स्टूडेंट्स जो टीचिंग है वो डेफिनेटली आपको मेरे चैनल के थ्रू मिलती जाएगी, जिससे आपको आपके एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। क्वेश्चन बैंक मैथ्स का हर चैप्टर्स के लिए मेरे से मिलेगा टीचिंग के साथ साथ में। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।